सूप पी लो सब। मेरा दिल नहीं कर रहा। लेकिन ये तुम्हारे लिए जरूरी है, तुमने ने मेडिसिन भी लेनी। सब कुछ कितना उदास सा लग रहा है ना। मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकता। मैं हंसना मुस्कुराना भूल चुकी। फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। हम फिर से वालदैन बनेंगे। तसल्ली के सब अल्फाज मुझे अब बेअसर लगते हैं। बहुत नादम हूँ सब। शादी एक सीरियस कमिटमेंट है जिसे बहुत जिम्मेदारी से निभाना होता है। मगर हम दोनों बस लड़ते झगड़ते ही रहे, एक दूसरे को कभी समझ ना सके। मोहब्बत जो मुझे तुमसे है उसको भी मैं कभी समझ ना पाए। मोहब्बत मोहब्बत एक बहलाव ही तो है। लेकिन हम इस मोहब्बत के सहारे जी लेंगे सबा, एक दूसरे को संभाल लेंगे। एक दूसरे का साथ चाहिए, एक दूसरे की जरूरत है हमें सबा। मैं अपने माजी को भुला चुका हूं। तुम ही मेरा हाल, मेरा मुस्तकबिल, मेरा सब कुछ। जो हुआ है जाने दो, कुछ पल मेरे साथ रहो। रात दिन मैंने किया है इंतजार, अब से मैंने चाहा है तुझको मैंने पाया है। अब दुआ है के ना होंगे हम जुदा। तुमने दवाई पी ली? ये मोहब्बत बली, ये मोहब्बत बली, ये मोहब्बत बली, अब मेरे दिल तेरे प्यार पर है। मुझको यकीन तू ही जिंदगी है, तू ही हम सफर। नफरत कैसी हो सेब? ठीक हूँ। सोचा तुम्हारी खैरियत पूछ लूँ। खैरियत से? अच्छी बात। अनाया कैसी है? अनाया ठीक है, बस तुम्हें याद करती रहती है। मैं भी उसे याद करती हूँ। मुझे ना सही, अनाया को तो याद करती हूँ। मुझे तुम्हारी खाला ने सब कुछ बता दिया था, बस हालात ने ऐसे रंग बदला है कि गलत फहमी और उलझनों से रिश्ते भी दूर हो गए। मैंने बहुत कुछ सहा है, अब मुझे सिर्फ ज़हनी सुकून चाहिए। अब वो मुझे यहां मिल रहा है। ज़ेब, मैं तुम्हें मजबूर तो नहीं करूंगा। I know I messed up. मुझे अपनी गलतियों का एहसास है। मैं चाहता हूं कि जो भी फैसला तुम करो वो बगैर किसी दबाव के करो, कि बाद में तुम ना पछताओ। जब फैसला कर लूंगी तो बता दूंगी। जो हुआ है जाने दो, कुछ पल मेरे साथ रहो। रात दिन मैंने किया है इंतजार, अब से मैं
मोहब्बत भरी अब मेरे दिल भर तेरे प्यार पर है मुझको यकीन तू ही जिंदगी है तू ही हम सफर नफरत ना मैं आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ। क्या बात? आज मैं तुम्हें शाहनवाज और अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। शाहनवाज मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, इश्क करता था। उसके बाद अनाया पैदा हो गई, लेकिन हमारे बीच में वो कभी डायनामिक्स ही नहीं बनी। बताए क्यों? हमारे माइंडसेट नहीं मैच करते थे। शाहनवाज एक बिजनेस माइंडेड इंसान था और मैं एक आर्टिस्ट। बहुत कोशिश की हमने, मगर जब वो माइंडसेट और वो डायनामिक मुझे किसी और में मिले तो मैं बिना सोचे कुछ भी शाहनवाज और अनाया को छोड़ के चली। और आज जो मैं इतने सालों बाद वापस आई हूं, मैं शाहनवाज का क्या कसूर? जो किसी का कसूर है वो मेरा है। मैं ये बात जानती हूँ, लेकिन जो तुम नहीं जानती वो ये है कि मैं चाहती तो शाहनवाज के साथ समझौता कर सकती, लेकिन उस वक्त उसको छोड़ना मुझे आसान लगा। मैं बहुत खुश हूँ तुमने अनाया को एक माँ का प्यार दिया। वह तुमसे बहुत प्यार करती है। मैं वापस जा रही हूँ कि मैं जाने से पहले तुमसे मिलना चाहती थी कि तुम्हारा बहुत बड़ा कर्ज है मुझ पर। कैसा कर्ज? तुमने अनाया को माँ का प्यार दिया है और शाहनवाज को संभाला। ये सब जिम्मेदारियाँ मेरी थी, लेकिन वो तुमने पूरी की। तुम एक बहुत अच्छी इंसान हो जेब, जो मैं बिल्कुल नहीं थी। मैंने जो कुछ किया वो मेरा फर्ज था। आजकल फर्ज कौन निभाता है? शाहनवाज मुझसे जितनी भी दफा मिलने आया है वो सिर्फ अनाया के हवाले से मिलने आया है। तुमसे बहुत मोहब्बत, सिर्फ तुम ही को चाहता हूँ। मैं तो उसका माजी का वो इश्क हूँ जो रेत पे लिखे तहरीर की तरह मिट जाता है। शाहनवाज ने तुम्हारे खिलाफ कभी कोई बात नहीं की, लेकिन अगर किसी ने की है तो आरएस ने। और मेरा कसूर ये है कि मैंने उस इंसान की बातों पर यकीन कर लिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मगर आप ये सारी बातें मुझे क्यों बता रही? मैं अपने हस्बैंड के पास वापस अब्रॉड जा रही हूँ। ज्यादा तो नहीं आ सकूंगी, लेकिन कभी कभी अनाया से मिलने आया करूँगी। जय नाया की खुशी बहुत अजीज है और उसकी खुशी तुम्हारे साथ है। शाहनवाज के पास वापस चली जाओ जेब। वो गलती मत दोहराओ जो मैंने की, कि रिश्ते तोड़ना बहुत आसान है, कि उनको जोड़े रखने के लिए जो मेहनत चाहिए होती है बहुत कम लोग कर पाते। ला ख्याल रख। मैं अनाया का बहुत ख्याल रखूंगी। चेकिंग। अनाया बेटा, देखो मैं आपके लिए कितने सारे गिफ्ट्स लाई हूँ। गिफ्ट्स?
हाँ गिफ्ट्स। बेटा मैं वापस अमेरिका जा रही हूँ एंड आई डोंट नो कि मैं वापस कब आऊंगी। आप वापस जा रही हैं? हाँ बेटा वापस जाना जरूरी है अब, लेकिन मैं आपको कॉल करती रहूंगी ठीक है, एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपसे मिलने भी आती रहूं। आई विल मिस यू लॉट मेरा बच्चा। ओके कभी कभी मैं सोचती हूँ काश मैं वक्त को पीछे ले जा सकती, तो मैं जिंदगी में कभी वो फैसला ना करती जो मैंने उस वक्त लिया था। देखो ना ये सब आपके लिए तो है, और मुझे बताओ आपको इनमें से कौन सा वाला सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। तुमने दवाई खा ली मगर मेरे दिल पर बहुत बड़ा बोझ है। ना बोझ हल्का कर लो। कैसे कर लो? मुझे बताओ क्या बात है तुम्हारा अपना हूं सब। मैं जानता हूं मुझसे बहुत गलतियां हैं, मुझे माफ कर दो सब। भी मुझे माफ कर दो आरिस। किस बात की माफी मांग रही हो? शादी से पहले किसी को पसंद करती थी, ये सब बात जानती थी, फिर सिर्फ एक यकतरफा मोहब्बत थी। कौन था वो? था सबा? इसकी बात करें। फवाद। सेबू ने उससे शादी करी, मैं सेबू से नफरत करने लग। अब ये बोझ उससे मजीद बर्दाश्त नहीं हो रहा। सेबू ने मेरा मान तोड़ दिया था, वो तो मेरी दोस्त थी, लेकिन उस पल मुझे वो मेरी दुश्मन लग रही थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा। आरिस, आफरीन है जेबू पर कि उसने अभी तक ये राज राज ही रखा। आरिस, हम दोनों का दिल टूटा हुआ था, इस वजह से हम एक दूसरे को संभाल नहीं सके। हम दोनों ने रिजेक्शन फेस की थी, हम एक दूसरे को समझ नहीं सके। नफरत मिले तो नफरत के
उज़्मा, शाहनवाज, मैं सिर्फ अनाया से मिलने आई थी, मैं वापस अमेरिका जा रही हूँ। शाहनवाज, मुझे अंदाज़ा हो गया है कि अनाया की खुशी जेब के साथ है, इसीलिए मैं जेब से मिलने गई थी। मैंने उसे सब सच्चाई बता दी है और ये भी बता दिया है कि तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, बल्कि कसूरवार तो मैं थी। वो जल्द तुम्हारे पास वापस आ जाएगी शाहनवाज। जेब से मिलने गई थी। मेरा और तुम्हारा रिश्ता तो कब का खत्म हो चुका है, मुझे तुम्हारी मोहब्बत कैद लगती थी। मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारना चाहती थी, मैं अपनी जिंदगी की सारी जिम्मेदारियां तुम पर सौंप कर चली गई थी। अब मुझे कोई राइट नहीं बनता कि मैं वापस आके तुम्हारी लाइफ को इस तरीके से डिस्टर्ब करूं। मैं माजी को भुला चुका हूं, तो मुझे तुमसे कोई शुक्रिया नहीं। तुम नाया की माँ हो, इस बात का लिहाज मुझे हमेशा रहेगा। सेब को घर ले आओ, अनाया उसके बगैर बहुत उदास है। जैसे तुम्हारी और मेरी कहानी कब की ख़त्म हो गई है, वैसे ही सेब और आरिस की कहानी भी ख़त्म हो गई है। उनका कोई ताल्लुक नहीं है शाहनवाज, वो तुम्हारी बीवी है अब, वो तुमसे बहुत प्यार करती है। तुमने अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से जी ली, मुतमईन होना। कोई इंसान कभी मुतमईन नहीं होता शाहनवाज। एनीवेज, प्लीज अनाया का ख्याल रखना, मैं चलती हूँ। उज़्मा, थैंक यू। सबा, अरे अरे बेटा, हिम्मत से काम लो। डॉक्टर कह रहा था कि तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओ। ये आरेस कहाँ है? पता नहीं। अरे तो फोन कर लो बेटा उसे। मेरा फोन नहीं उठा रहा। क्यों? मैंने उसे बता दिया दादी कि सिर्फ उसका माजी नहीं था बल्कि मेरा भी एक माजी। जब मैं फवाद को पसंद करती हूँ। अरे अरे, ये क्या किया तुमने? अरे पागल लड़की, ये क्या किया? अरे क्यों ये बात बता दी तुमने उसको? लेकिन दादी, यही तो सच था। अरे तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया है? सदमे के बायस तुम्हारी सोचने समझने की सलाहियतें खत्म हो गई हैं। ये बात भला बताने वाली थी है? क्यों बता दी तूने उसको ये बात? दिल पे बोझ था दादी। अब हल्का हो गया तुम्हारा ये बोझ? अरे पागल, मर्दों को ऐसी बातें नहीं बताया करते, वो बर्दाश्त नहीं करते। औरत भी तो अपने शोहर के मासी के इश्क बर्दाश्त करती है ना दादी। सबा, कुछ तो अकल से काम लेती बेटा, कुछ तो अकल से काम लेती। अब अल्लाह जाने कहां चला गया होगा वो, है क्या करेगा वो, और हम कहां जाएंगे? हमें कुछ कह दिया तो? ये तुमने क्या किया सबा? इस सदमे से तुम अकल ही खो बैठी हो है? हाँ।
शाहनवाज ने तुम्हारे खिलाफ कभी कोई बात नहीं की, लेकिन अगर किसी ने की है तो आरएस ने। वैसे खाला आपके आने से रौनक बहुत हो गई है, वरना ये लोग तो इतने बोरिंग हैं, इस टाइम पे सो रहे होते हैं। अच्छा अब तुम लोग जाके सो जाओ, सुबह अपने कामों पर जाना है। वैसे काफी हैरत की बात है, सारी जिंदगी हमने पढ़ा है कि इत्तेफाक में बरकत है, लेकिन इंसान इस जुमले को समझा नहीं, सिर्फ लड़ाई झगड़ों और मवाजनों में उलझता रहता है। बस बेटा ये तो अपनी अपनी सोच पे मुनासिर है ना। जख्म गहरा हाले मेरा तुझको क्यों ना देख सका, तेरी नफरत बली, तेरी नफरत बली, तेरी नफरत बली, तू मोहब्बत न कर क्या भरोसा तेरा। अभी तो जेबो ने अपने हाथ के पके हुए बहुत सारे खाने खिलाने। क्यों, रोजाना यही तो खाना पकाती है? अगर दिल थोड़ी ना भरा है, अभी तो बहुत सारी डिशेज रहती हैं, चाइनीज, इटालियन वगैरह वगैरह। अमेरिका मतलब यूएस? हाँ हाँ भाई, खूब दौलत कमा के आना, और डॉलर्स तो खास कर लेके आना, अम्मी इससे बेहतर बात क्या हो सकती है। खाला ये तो कमाल ही हो गया। कुछ पल मेरे साथ रहो, रात दिन मैंने किया है इंतजार, कब से मैंने चाहा है तुझको मैंने पाया है, अब दुआ है कि ना होंगे हम जुदा। बेटा तुम इस कमरे में क्या कर रहे हो? बस अम्मी, दिल घबरा रहा था, सोचा थोड़ी देर फवाद के कमरे में आके बैठ जाऊं। उदास और वीरान कमरा है ना, सफाई करवाती हूं तो मेरा दिल भी दुखी हो जाए। बहुत जल्दी चला गया फवा। हाँ फवाद और तहमीना बहुत जल्दी चले, उनके जाने का दुख कभी खत्म नहीं हो सकता। सेवू भी चली। वीरान हो गया ये कमरा, सब चले गए, बस याद रह गए। सिर्फ यादें। वीरान सभा के पास जाओ, अभी तक शौक की कैफियत में उसे तुम्हारी जरूरत है, जाओ उसे इस दुख और सदमे से निकालो। बस कुछ देर और इधर फवाद के कमरे में बैठना चाहिए। बस थोड़ी देर बैठना, फिर जाओ कमरे में, ठीक है?
बहुत जल्दी चले गए तुम। अभी तो हंसने के जीने के दिन थे। कितनी बातें करनी थी तुमसे, सब अधूरा रह गया। आई मिस यू, मुझे माफ कर देना मेरे भाई, मुझे माफ कर दे। कैसे फोन किया है? बस तुम्हारी याद आ रही थी। वाकई? हाँ, तुम्हारे बगैर ये घर बहुत खामोश और खाली लगता है। Feels very empty without you. क्या सारी गलत फहमियां दूर हो गई हैं? सारी उलझने सुलझ गई हैं? जहाँ मोहब्बत हो वहां गुंजाइश निकल ही आती है। क्या है मोहब्बत आपकी नजर में? मोहब्बत खुशी है, एहसास है, अरमान है, और मेरे लिए मोहब्बत जेब है। मगर मैं तो मोहब्बत करना और निभाना सीख ही नहीं सकी। शायद मैं भी। चलो हम दोनों मिलके कोशिश करते हैं। उजमाई थी हम। मैं जानता हूँ वो अनाया से मिलने आई थी। I think she's leaving soon. मैं आपकी आला जर्फी पर हैरान। आपने उस औरत को माफ किया जिसने आपके साथ बेवफाई की। वो आपको और अपनी बेटी को छोड़कर चली गई। मेरे पास उसे देने के लिए और कुछ भी नहीं था सिवाय माफी के। वो भी इसीलिए कि वो अनाया की माँ है, वो अपनी जिंदगी जीना चाहती थी, तो मैंने उसे अदा कर दिया। उसने मुझे सब कुछ बता दिया। वो अपने शोहर के साथ खुश है, इसलिए वापस चली गई। सेब, हमें भी अपने बारे में कुछ सोचना चाहिए। न तो मैं लेने आ जाऊं? आ जाए। मैं आता हूं, जल्दी आता हूं।